होते कितने प्रकार के, कैसे होते हैं आप सब ये ध्यान दीजिए। पहली बात, अरे डगरा चलता कहूँ मार्ग में, अगर आप रास्ते से घर से निकल के जा रहे हो, अगर तुमको खाली बर्तन दिखाई दे जाते हैं तो हमको आगे जाना नहीं चाहिए, कुछ देर के लिए रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए रास्ता आगे खाली नहीं है, इसलिए कुछ देर के लिए रुक जाना चाहिए। दूसरी बात, अरे डगरा चलता कहूँ मार्ग में, और खाली घड़ा जो पड़े देखा, मणधारी किसको कहते हैं कोई बता, किसे कहते हैं? सरप को। मणधारी कहते हैं सरप को। अगर सामने से सरप रास्ता काट देता है तो ये भी एक अपशगुन होता है। और सुनिए, अरे डगरा चलता मणधारी मिले, और रास्ता काटे फेर मिला, तो ये भी एक अपशगुन होता है, तो भी हमको आगे नहीं जाना चाहिए। और सुनिए, अरे सूखी जाल कौआ बोले, अगर सूखी डाल पर बैठ करके कौआ बोल रहा हो तो ये भी एक अपशगुन होता है। अरे सूखी जाल कौआ बोले, और चीते सुहाना स्वयं लड़े जाए, स्वान स्वान किसको कहते हैं? स्वान कहते हैं कुत्ते को। अगर रास्ते में कुत्ते कुत्ते लड़ते हुए दिख जाए तो ये भी एक अपशगुन होता है, तो भी हमको आगे नहीं जाना चाहिए। और सबसे विलक्षण जो अपशगुन होता है वो माता ध्यान लगे, अरे घर से निकले जब कुमार चले, आपका बेटा कहीं घर से बाहर निकल के जाता है ना, तो एक काम माता को नहीं करना चाहिए, अरे घर से निकले चले तब पत्नी दे बहनी बाहर, अगर उसके सामने उसकी पत्नी आंसू बहा देती है या उसकी माँ आंसू बहा देती है तो ये सबसे विलक्षण अपशगुन होता है। और घर से कभी भी निकल के जाओ, और खास कर तो तब ध्यान देना चाहिए जब हम किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, उस समय अगर तुमने अब सगुन पर ध्यान नहीं दिया तो खुद के साथ घटना होगी सो होगी, और जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। घर से निकलो, घर में अगर बड़े बूढ़े हो तो उनका आशीर्वाद लेकर के अगर आप घर से किसी भी काम के लिए जाओगे तो वो कभी आपका निष्फल नहीं होगा, वो सदैव आपका पूर्ण होगा। करके देख लीजिए, गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो ये होता है सगुन, ये अब सगुन नहीं है, सगुन। सामने गाय माता नजर आ जाती है, मुर्दा भी सामने से निकलता हुआ दिख जाए तो ये अब सगुन नहीं है, घबराना नहीं है, वो भी सगुन ही है, मुर्दा भी दिख जाता है सामने से। तो जल्दी जल्दी न करके अपना काम थोड़ा आराम से किया करो, क्योंकि जल्दी का काम शैतान होता है। कुछ लोग जा रहे थे अर्थी लिए हुए, अर्थी लिए हुए जा रहे,
साइकिल वाला आया और वो कहता, भैया हटो हटो, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जाना है, हटो एक तरफ, हमको जाने दो। लोगों ने कहा कितनी जल्दी है? वो कह रहा बहुत जल्दी है। तो लोग कह रहे हैं इतनी ही जल्दी है तो इस मुर्दा को उतार के तुझको लिटा लूं तो और जल्दी हो जाएगा, तुझे जल्द जाने की जल्दी पड़ी है। तो कोई काम जल्दी से कभी हासिल नहीं हो सकता, जल्दी का काम शैतान होता है। तो कोई काम करो हजार बार सोच समझ के, बल बुद्धि विवेक से उसे सोच समझ के करना चाहिए। बोल गोविंद भगवान की। तो आज से ये काम सभी माताओं को करना है, पहले रोटी गाय को देना, बाद में रोटी कुत्ते को खिलाना, उसके बाद स्वयं खाना। दूसरी बात, घर से निकलते समय अब सगुन पर ध्यान जरूर देना चाहिए और अपने जीवन की गाड़ी को आनंदमय बनाते रहे। शिशुपाल दूल्हा बन गया, अब सगुन पर इसने कोई ध्यान नहीं दिया और इसने 20 दिन पहले से जाकर के चारों ओर से कुंदनपुर को घेर लिया। इधर रुक्मणी जी ने और ये माननीय श्री दादाजी किशोर दास जी दादाजी की ओर से हमको 101 मुद्राओं से सम्मान किया है और आप हमारे दादाजी का स्वागत करेंगे, तालियों का साथ देंगे, भगवान से सुख समृद्धि प्रदान करते हुए बोल वंदना बिहारी लाल की। और इधर रुक्मणी जी ने ब्राह्मण के द्वारा भगवान के लिए पत्र भेज दिया, भगवान के पास द्वारिका में भगवान को लेकर के पंडित जी कुंदनपुर में आते हैं। चारों ओर सेना से नगर घिरा हुआ था, एक दिशा खाली है, उस दिशा में देवी माँ का मंदिर है और पंडित जी ने कह दिया तुम मंदिर के पीछे अपना रथ खड़ा कर लो, मैं रुक्मणी को पूजा के बहाने भेज दूंगा और तुम रुक्मणी को यहाँ से ले जाना, ठीक है? तो भगवान मंदिर के पीछे खड़े हो गए। इधर रुक्मणी से जाकर के पंडित जी ने कहा जाओ पूजा की थाली लेकर जाना, मंदिर के पीछे भगवान खड़े हैं, उन्हीं के साथ में तुम चली जाना। रुक्मणी जी पूजा की थाली लेती हैं और देवी माँ के मंदिर में पहुंची हैं, सखियां के साथ में हैं। पूजा करके बाहर निकल के जब रुक्मणी जी आती हैं तो दीपक जलाया, आरती उतारी देवी माँ की, देवी माँ को मनाया और रुक्मणी जी बड़ा सुंदर भजन गाती है देवी माँ के लिए। आइए हम सभी भी तालियों की सेवा करते हुए रानी माँ का एक बड़ा प्यारा भजन सभी मिलकर गाइए हमारे साथ। रुक्मणी जी कहती है हे रानी।